के हॉस्पिटल अतीक और अशरफ कब पहुंचेंगे, इस तरह की तमाम उन जानकारियों को नोट किया गया है और पुलिस से इस बाबत जानकारी ली गई है कि कैसे जो है इस घटना को अंजाम इतनी आसानी से इन शूटर्स ने दिया है और जो लगातार धरपकड़ इन शूटर्स के जो दोस्त हैं और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी की जा रही है, इसको लेकर भी एसआईटी की टीम ने यहां पर जानकारी ली है। यानी अगर कहें कि अब जो है मोतीलाल नेहरू जो मंडली चिकित्सालय है वहां से एसआईटी की टीम रवाना हो चुकी है, तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा चुकी हैं, सीन रिक्रिएशन भी हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आरोपियों को लाकर यहां पर सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, वो नहीं हुआ। मगर एक जो पुलिस का सिपाही था जो घायल था जिसके हाथ में गोली लगी थी उसको जरूर यहां पर लाया गया, जो सिविल ड्रेस में यहां पर पहुंचा था लाल टी शर्ट में, और उससे बाकायदा पूछताछ की गई कि आखिर आपको हाथ में चोट कैसे लगी है, और उस बाबत उसने पूरी जानकारी दी कि जब घटना हो रहा था तब वो उसी वक्त वहां पर मौजूद था और कैसे उसको चोट लगी है, पूरे हाथ में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। और इस तमाम जानकारियों को नोट करने के बाद जो एसआईटी की टीम है वो यहां से रवाना हुई है और ये कहा जा रहा है कि देखिए कभी भी इस पूरे जो रिपोर्ट को वो आगे जो है आरोपियों के साथ भी एसआईटी की टीम बैठकर बातचीत कर सकती है और जो पूरे सवाल हैं एसआईटी के वो वहां पर रखकर उनके जवाब भी तलाशे जा सकते हैं। फिलहाल ये कैल्विन हॉस्पिटल का वो दृश्य है जहां पर इस समय मीडिया का काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा है, पुलिस के जवान अब यहां से जा चुके हैं और जैसे ही एसआईटी की टीम यहां पर आती है सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचती है, इसके बाद इसका मेजरमेंट किया जाता है, हर एक चीज़ को बारीकी से नोट किया जाता है। अतीक अहमद हत्याकांड एक बड़ा मामला है, इसको आसानी से इस तरह से नहीं किया जा सकता और ये चूंकि पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर किया गया, मीडिया के कैमरे के सामने किया गया, ऐसे में एसआईटी की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी हो जाती है और आज जो है एसआईटी जो रिपोर्ट तैयार करके ले जाएगी वो रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अतीक अहमद कोई छोटा मोटा माफिया नहीं था, वो यूपी का एक ऐसा दुर्दांत और खौफनाक जो घटनाओं को अंजाम देने वाला। तो आप देखिए पूरा मेजरमेंट वहां पर हो रहा है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें, इस वक्त मैपिंग की जा रही है टीम की तरफ से और थोड़ी देर में रिक्रिएशन भी शुरू हो जाएगा और ऐसे कई सवाल हैं। देखिए आप किस तरह से इसे ड्रॉ किया गया है, बाकायदा जो क्राइम स्पॉट था उसे ड्रॉ किया गया है, जितने गेट्स थे, कितनी दूरी थी, कहाँ पर मारा, कैसे शूट किया, कहाँ से आए, ये सब कुछ इसमें मेंशन है और यानी इसकी मैपिंग करके ये पता लगता है कि किस किस डायरेक्शन से जो हत्यारे थे वो आए थे, कितनी दूरी पर थे और क्या कारण रहा जो उनके लिए इतना आसान हो गया शूट करना और उसके बाद फिर रिक्रिएट करा जाता है इस पूरे क्राइम सीन को। तो अभी जो टीम है वो मैपिंग कर रही है और उसके बाद इसका पूरा रिक्रिएशन होगा। अरे तस्वीर हम आपको उसी की दिखा रहे हैं, ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पर पूरी मैपिंग करके ये बताया जा रहा है कितना एरिया था जो इस हॉस्पिटल के गेट से दूर था जहां पर इन दोनों को शूट किया गया और जब ये गाड़ी से उतरे थे तो वहां से दूरी कितनी थी और कितनी दूरी से इन्हें शूट किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी जब सबमिट करेगी रिपोर्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है और 4 दिन की रिमांड है तीनों आरोपियों की। जवाब तलाशने के लिए खुद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर पहुंची और इन टीम ने तमाम उन जगहों का मुआयना किया, अस्पताल के परिसर में देखा कि गेट से कितनी दूरी पर यहां गोली मारी गई और उसके बाद गोली लगने के बाद क्या कुछ हुआ, कितने लोग मौजूद थे, क्या सिचुएशन हुआ, उसके बाद पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया और उन शूटर्स का रिएक्शन कैसा रहा, ये तमाम चीज़ें आज नोट करके ली गई हैं और इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी वो फिर इस पूरे रिपोर्ट में एक तरह से नई जान डालने का काम करेगी। तो आज अशरफ और अतीक के हत्याकांड के बाद एसआईटी की टीम प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज के इस हॉस्पिटल में ठीक उसी जगह पर सीन रिक्रिएट कराया गया। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की हम दिखा रहे हैं, ये आप कॉल्विन अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, क्राइम स्पॉट पर जांच चल रही है, जहां शूट आउट हुआ वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची है और अभी कुछ मेजरमेंट्स वहां पर ली जा रही हैं, यानी कि ये देखने की समझने की कोशिश हो रही है कि कॉल्विन अस्पताल परिसर से जब वो बाहर निकले वहां से लेकर गाड़ी तक की दूरी कितनी थी, जहां पर ये शूट आउट हुआ वहां तक का डिस्टेंस कितना था। और देखिए अब जी मीडिया के 4 कैमरों की नज़र से आप इस पूरे परिसर को देखिए और समझिए कि किस तरह से वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
था कि आज ही सीन रिक्रिएट अब इसी वक्त किया जाएगा, लेकिन एसआईटी की टीम ने रिक्रिएट नहीं किया बल्कि बकायदा इसकी मैपिंग की गई और मैपिंग के बाद जो है यहां पर अब चीजों को एकत्रित करके ले जाया गया है और ये रिपोर्ट लगातार जब सबमिट होगी तो इसमें कई अहम सवाल और उसके जवाब होंगे। कई एंगल से इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाएगा, मसलन इन अपराधियों का बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो प्रयागराज पहुंचे, इनकी मदद किसने की, पुलिस की चूक कैसे हुई, पुलिस ने इसके लिए इंतजाम क्या किया था, आखिर माफिया अतीक और अशरफ को गाड़ी से कैसे उतारा गया, क्या उतारने से पहले सुरक्षा को पूरी तरह से परखा गया था, इन तमाम सवालों के जवाब और उनके जो चीजें हैं, जो लोगों से बातचीत है, ये सारी चीजों को आज एसआईटी की टीम ने खुद यहां पर सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी से पूछा है और उन सभी के जवाब ऑन स्पॉट उन तमाम पुलिस के अधिकारियों ने एसआईटी टीम के सामने दिया है और इनको रिकॉर्ड किया गया है और इसी के बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के ठीक बाद जो है यहाँ अस्पताल के बाहर से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इन चीजों को देखने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा हुए थे। जो आसपास के लोग थे वो भी इन अधिकारियों के जो सीन रिक्रिएशन की प्रक्रिया थी उसको देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मीडिया का भारी जमावड़ा था और ऐसे में अब जो अधिकारी है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई बाकायदा यहाँ पर, तो फिलहाल रिक्रिएशन से पहले अधिकारी यहां पर इस वक्त सभी पहुंच चुके हैं और जो मैपिंग हुई थी उसी के बिहाफ पर ये रिक्रिएशन होगा क्योंकि तीनों आरोपियों ने जो कुछ भी बताया है पूछताछ में, कैसे वो वहां पर पहुंचे थे, कैसे एक दूसरे से उन्होंने, और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आप देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग हुई कि पुलिस वालों को समझ नहीं आया और पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर इतनी नजदीक से फायरिंग करना, ये कई सवाल उठाता है पुलिस की कार्यशैली पर। सीन